अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज मेरा इंटरव्यू था क्वेटा सेंटर में पेट्रोल ऑफिसर का। तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जाना वो बीएससी ऑनर्स इकनॉमिक्स से जीएस यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इंटर होंगे सलाम दुआ करके मैं बैठ गया हूँ और उनसे इजाज़त चाहिए कि क्या मैं मास्क उतार सकता हूँ फॉर बेटर कम्युनिकेशन। उन्होंने कहा यस बिल्कुल आप उतार सकते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जोब से है तो जोब का क्या मतलब है। मैंने कहा तो जोब का मतलब जोहोब से निकला है जिसका मतलब है ओवजिंग वाटर, मतलब ये एक चश्मा है वहाँ पर, वहाँ से पानी निकलता है। कहते हैं अच्छा अजोब का नाम किसने चेंज किया था पहले, तो ये फोर्ट संडेमन के नाम से था। तो मैंने कहा था कि नवंबर 1976 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जब दौरे पे आए थे तो उन्होंने नाम चेंज किया था। कहते हैं अच्छा आजकल जो है इनके मिनिस्टर कौन है। मैंने कहा तो मुठा खान काकड़ है। कहते हैं इनके पास क्या वादा है, होता है डिजाइनेशन। तो मैंने कहा कि ये जो ना डेयरी मिनिस्टर ऑफ डेयरी एंड लाइफ स्टॉक के हैं और साथ में ये एडवाइज़र भी है टू सीएम। कहते हैं अच्छा ये जो जॉब के ना ज़्यादातर लोग जो ना वो ठेकेदार होते हैं जो मंदोखेल लोग हैं, तो आप क्यों एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं गए हैं। तो मैंने कहा तो सर पैसा कमाना तो सब कुछ नहीं है, इसी वजह से मैं एजुकेशन की तरफ गया हूँ, सो दैट एजुकेशन ज़रूरी है और नेशन बिल्डिंग में हम जो ना अपना रोल प्ले कर सकें। कहते हैं अच्छा आप लोग एक ट्रेडिशनल डिश बनाते हो पठानों में, उसे कढ़ी कबाब कहते हैं, ये कैसे तैयार किया जाता है। मैंने कहा सर ये एक दुम्बे को लेते हैं, उसकी खिचड़ी शिचड़ी निकाल के एक खड़क होते हैं उसके अंदर जो ना ये आग के नहीं ये भाप के ज़रिए जो ना पकाते हैं, 3-4 घंटे इसको लगते हैं। कहते हैं अच्छा बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा यस बहुत बड़ा मज़ा आता है। कहते हैं मुझे मेरे दोस्तों ने काफ़ी खिलाया था। मैंने कहा यस होगा। फिर उसने मुझे रेफ़र किया। अच्छा उसने साथ में ये भी पूछा कि रोअर्स क्लब आपने ज्वाइन किया है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में, ये पूछा कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है रोअर्स क्लब आपने ज्वाइन किया, रोअर्स क्लब में होता क्या है। मैंने कहा सर फर्स्ट एड की तरफ से ट्रेनिंग देगी हमें, 112 की तरफ से रेस्क्यू जो जराए और रेड क्रेसेंट सोसाइटी फर्स्ट एड का हमें ट्रेनिंग मिला और साथ में जो नागानी आफात तो और जलजला और कोई और सैलाब वगैरह तो इसमें कैसे निपटा जाए और क्या क्या मतलब फर्स्ट बेसिक चीज़ें होती है ये हमें बताया गया। कहते हैं वेल तो ये आई एम सेटिस्फाइड। नेक्स्ट मुझे उन्होंने रेफ़र किया उसकी तरफ जो मोटरवे के एहलकार थे डीआईजी साहब थे हमारे वे उनकी तरफ। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट एड के में आपने अगर किसी को इंजरी हो और वो फ्रैक्चर हो हाथ उनका तो आपने क्या करना है। मैंने कहा था सर कि उसको आप ब्लीडिंग रोकेंगे फर्स्ट और साथ में जो ना अगर कोई फ्रैक्चर हो तो उसको कोई सी सहारा लकड़ी वगैरह साथ लेके उसके ना पट्टी शट्टी करनी या कोई कपड़ा वगैरह। तो कहते हैं कि अगर उसी टाइम आपके पास इक्विपमेंट ये चीज़ें फैसिलिटीज़ ना हो। मैंने कहा था ये सर ये वाक्य मेरे साथ पेश आया था लाहौर के माल रोड पे, मैं जा रहा था यूनिवर्सिटी से तो एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही थी तो फिर मेरे पास कुछ चीज़ें है ही थी नहीं तो फिर मैंने अपना शर्ट जो ना फाड़ के उसकी ब्लीडिंग रोक दी। कहते अच्छा गुड और जो ना क्यों हेल्प करना चाहते दूसरों की। मैंने कहा था सर कि हेल्प इसलिए करते हैं कि इसे इंटरनल सेटिस्फेक्शन बंदे को हासिल होता है और एक ज़रूरी चीज़ है इस्लाम में इंसानियत में और पाकिस्तान में, इसलिए हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। कहते अच्छा ये क्वेश्चन किया कि पेट्रोल ऑफिसर के मतलब की तरफ क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा सर इसके कुछ रीज़न्स हैं कुछ फैक्टर्स हैं। कहते हैं क्या। मैंने कहा था सर फर्स्ट ये कि एक थैंकलेस जॉब है, एक यूनिफॉर्म जॉब है, यूनिफॉर्म जॉब इज़ ऑलवेज अ डिसिप्लिन वन, इसमें डिसिप्लिन है। और यहाँ पे सेकंड ये है कि हम किसी और की हेल्प करते हैं तो दूसरे की हेल्प जो है ना वो ज़रूरी है और इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। और थर्ड जो ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सालाना 1.2 मिलियन लोग जो ना वो हादसे का शिकार होकर फोत हो जाते हैं और पाकिस्तान में सालाना 12,000 लोग जो ना एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं फेटलिटीज़ रेट को, तो इस वजह से मैं मोटरवे पुलिस में आना चाहता हूँ। कहते अच्छा फैक्टर क्या है। मैंने कहा सर फैक्टर ये है कि एक मेरा दोस्त था मेरा अपना पंजाब यूनिवर्सिटी से वो फारूक अहमद, वो N50 में रोड एक्सीडेंट में शहीद हुए हैं। तो उसने पहले जो ना पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था और टेस्ट से पहले जो ना वो फोत हुए हैं। तो मैंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश मैं पूरा करना चाहता हूँ इसलिए मैं पेट्रोल ऑफिसर के लिए मैंने अप्लाई किया। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हज़ारों सैकड़ों लोग फारूक अहमद जो है ना वो सफ़र करते हैं रोडों पर, तो मैं चाहता हूँ कि इनको ओवरकम करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं लोगों की हेल्प करूँ, एजुकेट करूँ लोगों को, अवेयरनेस दूँ। कहते अच्छा वेल एंड गुड, आप जो ना अच्छे पोजीशन पे, अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है एंड बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा थैंक यू और सो
मैं निकल गया रूम से। सो होप ये कुछ जनरल डिस्कशन ओवरऑल जो मैंने नोट किया, ये कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक कर रहे थे और जब इंटर होते थे। एंड ये पूछा था कि HTB क्या है, LTB क्या है, नेशनल हाईवे बलोचिस्तान में कितनी है और मोटरवे कितनी है, सबसे लंबी कितनी है, छोटी कितनी है और फील्ड डिग्री रिलेटेड जिसके डिग्रीज थे उसके मुताबिक पूछा था। एक दोस्त से पूछा था कि आपकी कंप्यूटर साइंस में डिग्री है तो कितनी लैंग्वेजेस है और जावा लैंग्वेज कैसे काम करती है, ये पूछा था। और ये पूछा था उससे कंप्यूटर साइंस वाले से कि आपको हम क्यों ले ले, मतलब अपनी डिग्री को रिलेट कर दो मोटरवे के साथ कि आप क्या काम आ सकोगे मोटरवे का, और मोटरवे ने रिसेंटली कोई एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है या वेब है कोई चीज़ उस लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस वाले जानते होंगे, आज किसने पूछा है या जिसने नहीं पूछा है वो पूछ ले। उसके मुताबिक भी कहा था, पूछा था कि ये क्या है, कब लॉन्च किया और क्या लॉन्च किया, कंप्यूटर साइंस वाले से ये पूछा था। और एक दोस्त से फिर ये पूछा था कि ज़्यारत को ताल्लुक था उस ज़्यारत के मुताबिक मशहूर पर्सनालिटीज़ क्या है, कौन से हैं और कोई इवेंट वगैरह ज़्यारत के मुताबिक, और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग का मज़ार है उसका पूछा था कि वो क्यों मशहूर है, क्या करामा थी उसकी। आज तो मैं कमीशन ऑफिस गया था भाई, सब उम्मीद से कि सब खैरत से होंगे। तो एक बंदे से पूछा था कि आपका इलाका कौन सा है, और पाकिस्तान अफेयर में पूछा था कि पाकिस्तान कायद अजम अहमद लिजना की एक बहन थी, उसका प्रोफेशन क्या था और पॉलिटिक्स में थी उसका नाम क्या था। उसने फिर उसने बताया था कि ये डेंटिस्ट थी, डॉक्टर थी फातिमा जिना। उसने कहा था उसने जॉब कब छोड़ दी। फिर ये पूछा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के मुतालिक पूछा था क्या है। एक तो उससे पूछा था कि एक मुल्क जो है दो के ट्रैफिक आप कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पास कर रही है, एक मुल्क से दोनों पास हो रहे हैं, वो कौन सा मुल्क है, ये पूछा था। और दूसरा तो वही जनरल सवाल पूछे थे, जनरल तो सबसे जनरल पूछे थे, अक्सर तकरीबन जनरल सवाल पूछे थे। एक दोस्त ने कहा था कि यार क्वेश्चन शेयर कर दो, जनरल में आपका नाम क्या है, क्या करते हो, कारोबार क्या है, एक्सप्रेस वे क्या है, हाईवे क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, ये पूछा था। और लास्ट में उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जो बेसिक चीज़ें मैंने नोट की हैं। वो ये कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे यहाँ पे क्वेटा में, ये तो पैनल के ऊपर डिपेंड करता है। और फर्स्ट जब आप जाते हैं तो चेयर के राइट साइड से आपने बैठना है और उठना जो है ना आपने लेफ्ट साइड से। अगर आपके पास मास्क है या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपने टेबल पे नहीं रखनी, आपने अपने गोद में या नीचे आपने रख देनी है। जो बोतल पानी हो आपके पास वो भी आपने नीचे रख देना है, ठीक है। और आपने मास्क उतारना है फॉर बेटर कम्युनिकेशन के लिए, और आपने लाउडली बोलना है और आई टू आई कंटेक्ट रख कर आपने बोलना है, और ज़्यादा फिंगर पॉइंट आउट नहीं करने उनकी तरफ, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपने, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और इसके बाद एक क्वेश्चन किया कि जो पेट्रोल ऑफिसर जा रहा होता है उसके साथ कितने बंदे होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। मैंने कहा था इसके साथ दो बंदे होते हैं, या तो दोनों पेट्रोल ऑफिसर होते हैं या एक SPO होता है या मे बी एक जूनियर पेट्रोल ऑफिसर हो इनके साथ। और जी चीज़ों की बात है, मैंने कहा वो साथ में असला लेके जाते हैं, एक रजिस्टर कॉपी लेके जाते हैं, साथ में कौन स्टॉप साइन कैम स्पीड कैमरा असलहा अपना और स्टेपनी पाने वगैरह जो इन बेसिक चीज़ें हैं ये साथ लेके जाते हैं, और साथ में एक पानी भी लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि पानी क्यों लेके जाते हैं। मैंने कहा सर पानी जब एक तो अपने लिए भी यूज़ करते हैं और अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो पब्लिक को हैंड ओवर करते हैं। कहते हैं क्यों करते हैं। मैंने कहा सर इसे पब्लिक के उसमें इमेज होगा, इदारे का अच्छा इंप्रेशन जाएगा। कहते अच्छा मैं आई एम सेटिस्फाइड। फिर मुझे रेफ़र किया गया थर्ड पर्सन के पास। कुछ दोस्तों से ऐसे पर्सनल सवाल पूछे थे कि आप क्या करते हो, कौन सी जॉब करते हो, क्यों छोड़ रखी है और क्यों यहाँ पर आना चाहते हो। कोई एक दोस्त किसी कंपनी में कोई काम कर रहा था, उससे पूछा था कंपनी के मुतालिक क्या हो रहा है, कंपनी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। पाँच छः दोस्त इस तरह थे, उन लोगों से इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, बस जाते ही इन लोगों से पूछा था कि पुराना काम क्या है। हाँ एक दोस्त है मेरा कलीम नाम, उससे पूछा था, उसने कहा था जब मैं अंदर गया सबसे पहले ना बैठने को कहा कि बैठ जाओ, मैं बैठा नहीं था। उन लोगों ने पता अच्छा कलीम के नाम से कोई प्लेयर है, कलीम के नाम से बलूचिस्तान का नाम बता सकते हो किस चीज़ का प्लेयर है और कौन है, या आपको पता है।
इंट्रोडक्शन ही पूछी ही नहीं थी कि आप कौन हैं। तो ये मूड पर डिपेंड करता है किस तरह पूछते हैं किस तरह नहीं पूछते हैं। और उस दोस्त से ये भी पूछा था कि क्वेटा से चमन जो हाईवे है नेशनल उसका नाम क्या है, और एक्सप्रेसवे और हाईवे का डिफरेंस पूछा था, मोटरवे पूछा था। फिर क्या था कि कभी इस्लामाबाद गए हो, उसने कहा था हाँ। बोलते हैं इस्लामाबाद कौन से रास्ते से गए, तो उस रूट का उसने बताया था। उस रूट के बाद उसने पूछा था कि जो मोटरवे है आप उस मोटरवे से जा रहे हो, उसकी वो मोटरवे के सफ़र में टफ टाइम क्या था, टफ जो टफ एरिया क्या था, इस तरह पूछा था। पता नहीं रश के हवाले से पूछा था किस हवाले से, उसने कहा दोस्त ने जवाब दिया था कि मैं जरूरत पूछा था दिन होने जाता हूँ इस तरह। हाँ, और एक दोस्त से पूछा था कि आपने पोस्ट कौन से कॉलेज से एक डिग्री की थी, पोस्ट ग्रेजुएट कोई कॉलेज है रावलपिंडी में मेरे ख्याल में। उससे पूछा था कॉलेज की हिस्ट्री पूछी थी, कॉलेज कैसे है, कब से बना है, इनॉग्रेशन वगैरह इस तरह किसने की है। ये तो आज के सवाल थे। कुछ ये पूछा था जंग आज़ादी कब हुई, कब शुरू हुई, ये पूछा था आज। और हाँ एक और बात याद आ गई, ये पूछा था उस दोस्त से कि जो नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है 2000, इससे पहले वो किस रूल्स पर वो कंट्रोल कर रहे थे ट्रैफिक वगैरह। ये मेरे ख्याल में 1991 या 92 का कोई एक्ट है, उसके ज़रिए वो कर रहे थे, या प्रोविजनल जो अथॉरिटीज़ थी उन लोगों का कुछ होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ये मेरा क्लियर नहीं है, जिस दोस्त को क्लियर है वो बता दे काइंडली, मैं शाम को क्लियर करके बताता हूँ। जब तटबंधे के पास रेफ़र किया था सॉरी, तो उसने कहा था कि आपने लॉकडाउन में क्या अचीवमेंट्स किए। मैंने कहा सर मैंने दो अचीवमेंट्स किए, एक जो प्राइम मिनिस्टर ने किताब बताई थी वो मैंने स्टडी की, और साथ मैंने एक और किताब वही नेशन फेल्स ये स्टडी की है मैंने। कहते उनके राइटर्स कौन है, ऑथर्स कौन है, मैंने कहा था एकमलॉग और रॉबिन्सन, ये राइटर्स हैं उनके। कहते अच्छा सेकेंड अचीवमेंट क्या की है, मैंने कहा सर सेकेंड अचीवमेंट मेरी मंगनी हुई है। तो वो सारे हंसने लगे, कहते अच्छा ये अचीवमेंट है, मैंने कहा यस ये अचीवमेंट है, एक सुरी चीज़ है। कहते अच्छा गुड। और एक और बात है, अच्छा ये पूछा कि आपने अरियन इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये अरियंस कौन होते हैं। सर मैंने कहा कि अरियंस जो ना एक ट्रिविडियंस थे, एक अरियंस थे ट्रिविडियंस जो सेटलर थे अफगानिस्तान में, और अरियंस जो ना वो माइग्रेंट्स हैं, ये आए हैं बरसगीर की तरफ और यहाँ आजकल जॉब में भी हैं, मतलब यहाँ हमें जो ना अरियंस कहा जाता है। और इनकी किताबों के मुताबिक इनका एक नस्ल जो ना वो जर्मनी में है, जर्मनी में भी रहते हैं इनकी एक नस्ल, क्योंकि उनके अखलाक जो है ना या कुछ ऐसे ट्रेडिशंस है जो पठानों से मिलते जुलते हैं। कहते अच्छा ये मुझे भी नहीं था पता, ये कहाँ से पढ़ा है। तो मैंने उसको सोर्स बताया, ये किताब मैंने स्टडी की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा इंटरव्यू हुआ है कराची में। तो खैर पता नहीं सुबह कोई मसला था, एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरव्यू हमारी स्टार्ट हुई थी 9:30 बजे का टाइम था। पहला कैंडिडेट मैं था, तो इंटरव्यू 12:30 के टाइम स्टार्ट हुई। तो मैं खुद नर्वस था क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फाइनल, बहुत ही अच्छा फाइनल था। और खुद हाई हमें इनक्रेज किया कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग ऐसे नॉर्मल इंटरव्यू होगा। तो जब इंटरव्यू के लिए मैं गया तो मेरे साथ जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला था कि मुझे मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड पूछा था, फिर इस हवाले से कहाँ से, मैं डिस्ट्रिक्ट लसबेला बलसन से ताउन करता हूँ। तो उन्होंने इस हवाले से पूछा, और उन्होंने एक सवाल पूछा था उसका जवाब मैं नहीं दे सका, पुलिस का जो एब्रीवेशन है ना पुल मुकफिफ वो क्या है, वो मैं जवाब नहीं दे सका। और मुझे ये पूछा था कि N10 जो N10 है हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो 0 फेंट है वहाँ से तकरीबन स्टार्ट होता है मकरान कोस्टल हाईवे, उन्होंने पूछा था कि इसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल, मैंने वो बताया था 653 किलोमीटर। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इसकी जो बॉर्डर जो ईरान से टच होता है जो लास्ट शहर है, तो वो मैंने भी बता दिया था।
फिर इसके हवाले से ही इसी के हवाले से यही सवाल पूछा था कि जो कोस्टल लाइन है बलसान की जो सबसे बड़ी है पाकिस्तान में वो कितनी किलोमीटर है, तो वो मैंने बताई थी। फिर उन्होंने पूछा था कि बलसान के वज़ीर आला कौन है, मैंने बताया। गवर्नर के हवाले से मैंने बताया। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा था कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का ड्यूटी क्या होता है, तो मैंने वो बताया था कि नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। तो इस हवाले से मैंने गाइड किया था उनको। और एक सवाल मुझे पूछा था वो मैं पूरा उनको क्लियर क्लियर नहीं कर सका कि जो सवाल यही था कि जब आप ड्यूटी कर रहे होते हो अगर किसी ने आपसे बदतमीजी की तो उससे आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो उन्होंने खैर मैंने बताया कि यार हम उसको गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे। तो और तीसरा पैनल का मेंबर था, उसने पूछा कि अगर आपके पास वर्दी होगा तो आप अपना फावर दिखाओगे। मैंने कहा सर हरगिज़ नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अपने इदारे का इमेज तो ख़राब नहीं करना है। बस कुछ और सवाल एक दो था मेरे जहन से नहीं आ रहे हैं। बहरहाल अच्छा इंटरव्यू था और माशाल्लाह पैनल भी बहुत बढ़िया था। शुक्रिया। अल्लाम भाइयों, आज मैं गया था पेट्रोल कमीशन। ज़्यादातर करंट अफेयर पूछ रहे थे, इलाके के हवाले से पूछ रहे थे। करंट अफेयर कोरोना वायरस का स्टार्ट हुआ, उसकी करंट केसेस क्या है, आज की केसेस या कल की केसेस क्या थी, और आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल इलाका है आपका, वहाँ के फेमस पर्सनैलिटीज़ और जो जोग्राफी है ना आप लोगों के इलाके की, उसका पूछ रहे थे। और सब्जेक्ट रिलेटेड तो बस तीन ऐसे होते हैं, एक आपके मोटरवे का पूछते हैं और दूसरा जो है आपकी डिग्री के मुताबिक भी सरसरी चीज़ें पूछते हैं, रिलैक्स माहौल, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होते हैं इंटरव्यूज़। एंड अच्छा, मोटरवे के बारे में ये क्वेश्चन किया था कि ये मोटरवे पुलिस अगर ना होते तो क्या होता, मतलब इनका ये क्यों ज़रूरी है, मोटरवे पुलिस क्यों ज़रूरी है। एक ये क्वेश्चन किया था। एक फिर ये क्वेश्चन किया था मोटरवे के बारे में कि कश्मीर हाईवे या कश्मीर मोटरवे के बारे में बात की थी। फिर कहा है कि बलूचिस्तान में कौन सा मोटरवे है, ये क्वेश्चन किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन किया था कि जो मोटरवे और एक्सप्रेसवे है इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब ये बात मैंने बताई थी, इसका आंसर मैंने बता दिया है। इसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया है। अक्वाम मुत्तहिदा के बारे में बात की, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बात हुई है और अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात हुआ है, कश्मीर हाईवे के ऊपर बात हुआ है। और ये एक क्वेश्चन कॉमन था, सबसे पूछ रहे थे कि ये जो बलूचिस्तान में मोटरवे है या नहीं या कौन सा मोटरवे है। तो मैंने इसका जवाब दिया था कि बलूचिस्तान में कोई मोटरवे नहीं है, ये जवाब मैंने दिया था इस तरह का। अच्छा, उन्होंने एक ये भी सवाल किया था, जैसे मैंने कहा था ना कि यानी ये जो डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उससे गैस खारिज होती, तो उन्होंने वो नाम पूछा। मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से खारिज होती है जो नुकसानदेह है। इसके अलावा वो बीच वाले बंदे ने ये भी पूछा था कि उर्दू में हम अहसे खमसा यानी जो पाँच हिस्से हैं उसके बारे में पूछा था। वो मैंने बताया कि पाँच हिस्से कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी उन्होंने पूछा था इस बारे में। दोस्तों एक मुझे ये क्वेश्चन मतलब ऐसा ऐसा मेरे जहन में आ रहे हैं कि मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि दुनिया में टोटल कितने ममालिक हैं और इसमें से अक़वाम मुत्तहिदा के कितने हैं, यूनाइटेड नेशन में कितने हैं, ये एक क्वेश्चन भी किया था। इसके अलावा जो साइट पे एक बंदा बैठा हुआ था उसने पूछा है कि आप आगे पढ़ना चाहते हो, तो मैंने कहा जी क्यों नहीं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो ये मैंने बताया। इसके बाद कोई अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको यासर भाई कामयाब करें। ये कश्मीर हाईवे का नाम जो है श्रीनगर हाईवे है, उसके बाद लाजमी इशारे जो तो तीन किस्म के इशारे होते हैं। लाजमी इशारे जो है वो रोडों पे जो लगे हुए होते हैं वो गोल एक गोल दायरे में बनाए जाते हैं, और वो ट्रैफिक के हवाले से हमें कोई ना कोई हुक्म देते हैं। उसके बाद एहतियाती इशारे जो हैं वो तकून जो डब्बे में तकून होता है उसमें उसके अंदर बनाए जाते हैं, ये हमें
के पक्के वाली से जो सूरत हाल है, आगे आने वाली सूरत हाल के बारे में आगाह करती है ताकि ड्राइवर कुछ ना कुछ एहतियात करें। मालूमाती इशारे जो है ट्रैफिक इशारों में नीले, सब्ज या काले रंग, स्याह रंग में होते हैं। ये हमें मालूम देते हैं हर किस्म की मालूम ट्रैफिक के हवाले से, क्या आगे मस्जिद है या पेट्रोल पंप है या जो है कोई और मैकेनिक का दुकान है, ये बताते हैं। इसी तरह उसके बाद सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है, और सबसे दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकान सिटी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरा इंटरव्यू था, तो तकरीबन आज लास्ट में ही था, तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ, हाल इंटरव्यू वगैरह हो गया, थोड़ा पूछा अपने यानी कास्ट वगैरह के बारे में, कहाँ से हो, ये सारा कुछ पूछ कर फिर उन्होंने शुरुआत ही मुझसे जो मेरी फील्ड है वहाँ से की, वो सारा पूछ लिया। उसके बाद जो दरमियान में बंदा बैठा हुआ था, तो उसने सारा कुछ मुझसे यही फील्ड से रिलेटेड पूछा, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, तो उसने उसी से रिलेटेड सारे सवाल किए कि इंजन वगैरह के बारे में ये सारा। उसके बाद जो दूसरा पेट्रोल ऑफिसर मोटरवे की साइड से जो बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझसे इससे रिलेटेड सवाल किए कि यानी मोटरवे में ये स्पीड का भी पूछा कि स्पीड लिमिट क्या होती है। फिर उन्होंने पूछा कि ये जो हम गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल यूज़ करते हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए कितना नुकसानदेह है, और इसको काउंटर करने के लिए हम क्या क्या यानी क्या इस कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि हम इसका इसको काउंटर करने के लिए एक तो ये कि रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उस पर जा सकते हैं, या अगर इसी पे रहना है तो यूरो 5 इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो है पॉल्यूशन बहुत कम करते हैं। फिर इन्होंने पूछा स्पीड वगैरह के बारे में, पूछा कि स्पीड यानी कितनी होती है कितनी नहीं होती है, इस लिहाज से सवाल किया, मैंने वो बताया। फिर उन्होंने कहा कि ये अच्छा, ये दरख्त जो लगे होते हैं, दरख्तों का एनवायरनमेंट पे क्या असर है, उसका मैंने जवाब दिया कि यानी ये इसके भी कई फ़ायदे हैं, क्योंकि एक तो हमें सांस जैसे हम लेते हैं उसके लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं, दूसरा ये पोल्यूशन को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं यानी जज़ब कर लेते हैं अपने अंदर, और साथ साथ ये जो मिट्टी वगैरह होती है उसको भी जज़ब कर लेते हैं। तो उसने कहा कि हम अच्छा ये तो है, लेकिन हम जब मोटरवे के करीब यानी रोड्स हाईवे हो गए या मोटरवे हो गए, उसके दोनों तरफ भी लगा देते हैं। तो मैंने उसका ये जवाब दिया कि क्योंकि ये दरख्त जो है वो ज़मीन को यानी उसको मजबूत करते हैं, तो ये सैलाब और बारिशों के दौरान ये जो ज़मीन का कटाव होता है, तो जहाँ हम दरख्त लगे हों तो वहाँ रोड का कटाव काफ़ी हद तक बच जाता है, ये उसका जवाब था। इसके अलावा फिर उन्होंने पूछा कि ये अच्छा ये मोटरवे के दोनों तरफ हम ये जंगला लगाते हैं, ये वो उसके बारे में कहा ये क्योंकि हाई स्पीड होती है, तो ताकि अचानक से कोई जानवर वगैरह ना आ जाए, तो उससे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो का उस बचने के लिए हम ये लगाते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल किए थे मैंने कुछ। बाकी जो तीसरा बंदा था, उसने मुझसे बस यही पूछे कि क्या आपने पहले भी कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो उसके बारे में मैंने बताया कि कहाँ अप्लाई किया है, क्या हुआ क्या नहीं, बस उस बंदे ने मुझसे कोई सवाल वगैरह नहीं किए थे। तकरीबन यही सवाल आते हैं, अगर कोई और जहन में आ गए तो वो भी बता दूंगा। बस दुआ करें कि अल्लाह सबको कामयाब करे, मेरे लिए भी खास दुआ करें, शुक्रिया। इसके अलावा जो दूसरा मेंबर था वो एक बड़े मूंछ वाला, पता नहीं क्या नाम है, उसने बहुत अच्छे अंदाज से मतलब रिलैक्स होके कहता है कि सोच के बताओ, कोई मसला नहीं है। तो फिर उसने पूछा अक़वामे मुत्तहिदा के बारे में कि अक़वामे मुत्तहिदा क्या है, उसके जवाब मैंने दे दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा के टोटल मेंबर्स का नाम के बताओ कि कितने मेंबर्स है, ये मैंने बता दिए। फिर इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बात हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछा है, टोटल मेंबर्स के बारे में पूछा है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, इसके बारे में पूछा है। और इसके बाद जो था सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। मेरा इंटरव्यू तकरीबन 6-7 मिनट तक रहा है, तकरीबन 6 या 7 मिनट, इतना ही था मेरा इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे। मेरी इंटरव्यू थी आज पेट्रोल पब्लिक सर्विस कमीशन में पीओ के पोस्ट के लिए। आप लोगों को मालूम है, सबको पता है, तो जैसे डॉक्यूमेंट चेक हुए थे बाहर, मैं अंदर गया था, सलाम डाला था, बोलते आपका नाम यासर है, ज़्यारत से ताल्लुक है, मैंने खासी बोलते तारुफ करा दो, मैंने तारुफ करा दिया, बोलते हैं तो मैंने के दिया आपने का तारुफ, फिर मैंने अपने वालिद का नाम बता दिया, घर का बता दिया, ज़्यारत का बता दिया, फिर बोला घर ज़्यारत से कितना दूर है, मैंने कहा ये इतना दूर है, ये बता दिया था,
फिर मुझसे पूछा था अच्छा बीबीए की है तो अभी तक क्यों बेरोज़गार हो। मैंने कहा खेती बाड़ी कर रहा था। बोलते अभी जॉब क्यों कर रहे हो। मैंने कहा जॉब तो सिक्योर होती है इकोनॉमिक हवाले से, जॉब होनी चाहिए। यही पूछा था। फिर कहा था सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, सबसे छोटा मुल्क कौन सा है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, कश्मीर हाईवे का पता है, उसका नाम क्या है, अभी चेंज हुआ है। मैंने कहा कश्मीर हाईवे का नाम चेंज हुआ है, अभी पता नहीं क्या है। ये मैंने सॉरी की थी उसको। और एक और बात पर मैंने सॉरी की थी। बोलते हैं दो डैम बनने जा रहे हैं, एक उसका वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया था, क्या है। मैंने कहा दी अमर बादशाह डैम है, उसने कहा दूसरा। मैंने कहा सॉरी सर, बोलते हैं मेहमान डैम है, ये कहा था। और एक गज़ और मीटर का फ़र्क बताया था। मेरे ख्याल में मीटर बड़ा होता है, गज़ बड़ा होता है। मैंने कहा गज़ छोटा होता है, पता नहीं मीटर बड़ा होता है। सर कोई जवाब दे दिया था, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। और फिर कहा था कि लाजमी इशारे कौन से हैं, मैंने लाजमी इशारे बता दिए थे। और ये कहा था कि एक्सीडेंट रोड पर क्यों होती है, मैंने कहा केयरलेस ड्राइविंग होती है और लाइसेंस इशू कर लेते हैं लोग, नहीं समझ सकते, ये पूछा था। और ये बताया था कि इशारे कौन कौन से वाले हैं, ये उसके निशान साइन वगैरह मैंने बताए थे उनको। और बोलता है कोई टेक्निकल पार्ट की वजह से भी वो होती है एक्सीडेंट्स। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं होती, वो होते रहते हैं। ये बताया था कि क्यों कौन से टेक्निकल पार्ट्स। तो मैंने कहा टायर बस हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाता है, कोई और टेक्निकल, कोई ये बताया था बस। फिर उसने मुझे कहा था कि पश्तो का कोई शेर सुना दो। मैंने उसको सुना दिया, मैं जो पैनल दरमियान में बैठा था। बोलता है ये किसका शेर है। मैंने कहा शेर का पता नहीं लेकिन अच्छा शेर है, मैंने उसको बता दिया। बोलता है अच्छा, ये बाकी दोस्तों को पता नहीं है, उसको उर्दू नहीं आती है, पश्तो, उन लोगों को ट्रांसलेट कर दो। मैंने क्या ट्रांसलेट कर दिया, उन लोगों को अच्छा लगा बस। फिर मुझे कहा था कि आप जा सकते हो, बेस्ट ऑफ लक। तो अच्छे माहौल में थी इंटरव्यू, ज़बरदस्त। मैं और कुछ के क्या कह सकता हूँ अभी। आप लोग यही बस सवाल थे, मेरे ख्याल में 5 मिनट भी नहीं हुए थे भाई। 9 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ था क्वेटा ऑफिस में। तो जब मैं गया हूँ उधर, वेटिंग रूम में वेट किया है, अखबार मखबार चेक किया है, दोस्तों के साथ कुछ और दोस्त आए थे उनके साथ गपशप किया है। तो बहुत जल्दी थे, जल्दी में लोगों को बुला रहे थे वन बाय वन। बस यही 5 से 10 मिनट का मतलब टाइम दे रहे थे, 5-8 मिनट, किसी के 4 मिनट, किसी के 3 मिनट, मतलब 5 मिनट तक तकरीबन सबको एवरेज टाइम दिया है सबसे। तो मेरा जब बारी आया 7वें नंबर पे, मैं जब किया, नाम इंट्रोडक्शन का भी मुझे नहीं कहा है कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करें। नाम के बारे में पूछा है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है, फिर डिस्ट्रिक्ट में जो डैम्स है उनके बारे में पूछा है, और फिर कैनाल सिस्टम के ऊपर बात हुआ है क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है। फिर जो मेजर क्रॉप्स है मेरे डिस्ट्रिक्ट के उनके बारे में बताया है, पूछा है, वो मैंने बताया है। इसके अलावा जो मोटरवे का था DIG साहब, उसने मोटरवे के बारे में पूछा है, और उसने कश्मीर के बारे में भी पूछा है। कहता है कि एक आज़ाद कश्मीर है, एक जम्मू कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर का दारुलहुकूमत बताओ और आज़ाद का बताओ। मैंने आज़ाद का बताया और मकबूजा का मुझे नहीं पता था, वो भी मैंने बताया। और ये भी पूछा कि आप इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं तो यहाँ आप क्यों आना चाहते हैं। मुझे ना एक दो ब्लंडर हो गया था। ब्लंडर ये हुआ था कि मुझे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है ना, मैं सारी तैयारी करके गया था जर्नलिज्म की, और इस्लामियात भी मैंने पढ़ी थी लेकिन मैं उसका एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ के गया था। मुझे उसने पूछा कि जी आपने इस्लामियात में क्या पढ़ा है, तो मैंने कह दिया हिस्ट्री, हालांकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं थी। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जी गोल्डन एरा कौन सा है, वो भी मैं आंसर नहीं कर पाया, फिर उसने वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसने मुझे पूछा कि ये जो मंछर झील है ये कहाँ पे है, फिर उसने पंजाब में झीलें पूछी। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं लगता कोई झील है, उसने कहा यह है। फिर उसने मुझे इसमें जो है वो पहाड़ी सिलसिले पूछे, फिर उसने वो भी मैंने बताया। वो कहता है यार और भी हैं, मैंने कहा सर मेरी नॉलेज में इतना ही है। फिर उसने कहा ये सॉल्ट रेंज को आप क्या कहते हैं, वो मैंने बताया। फिर उसके बाद जो चेयरमैन थे, चेयरमैन साहब ने क्वेश्चन ये पूछा कि जी ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 47 to 50 तक बताएं प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने बता दिया लियाकत अली खान। हालांकि ये क्वेश्चन इतना ऑनस्ट ठीक था, आगे मैंने एक और ब्लंडर कर दिया, वो उसका बता दिया जो कम से कम उसे वो 85 वाले किसी का ना बता दिया मैंने। फिर ये एक ब्लंडर मारा। फिर उसने मुझे पूछा कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी थोड़ा सा ठीक बताया, और साथ में उसको वो मैंने महमूद गज़नवी का कलाम बता दिया, ठीक है।
तो वो उस पर फिर मैं गलत हो गया क्वेश्चन पे, इस तरह के दो तीन क्वेश्चन थे वो गलत कर दिए। फिर उसने मुझसे ये दो रशिया का पूछा, वो भी मुझे नहीं आया, उस पर मैंने सॉरी कर दिया और उस पर एंड हो गया। डिपार्टमेंट वाले सारे क्वेश्चन मैंने ठीक आंसर किए थे। और एक चीज़ और उन्होंने मुझसे ये पूछी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, ये किस लिए है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में मैंने रूट्स के बारे में बताया। उन्होंने स्पेशली वेस्टर्न रूट का पूछा कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। हसन अब्दाल का मैंने बताया, देन मैंने कहा ये डी आई खान आता है, डी आई खान से जोब, जोब से क्वेटा, क्वेटा से सूरा, बेसिमा, बेसिमे से होते हुए पंजगू रोशाब के रास्ते ये तुर्बत से होते हुए गवादर तक जाता है। और उन्होंने फिर ये पूछा कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी है। मैंने कहा 2014-15 में मियाँ साहब के दौर में जो है 46 बिलियन का पहला जो है वो एग्रीमेंट हुआ, और ये अभी जो है 66 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर का भी इन्होंने मुझसे पूछा था, मैं ये क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, आज मेरा इंटरव्यू था विटा सेंटर में। तीन बंदे थे पैनल में, एक मोटरवे का था और दो शायद कमीशन वाले थे। मोटरवे वाले ने तो मोटरवे के क्वेश्चंस किए कि हाईवे और मोटरवे में क्या डिफरेंस है, फ़लाने मोटरवे का क्या नाम है, फ़लाने का क्या नाम है। एक ने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के, अपने हर किसी को मतलब डिस्ट्रिक्ट के हवाले से पूछा कौन कौन सी कास्ट है वहाँ पे और बलूचिस्तान की आबादी कितनी है, ये भी एक क्वेश्चन किया। उसके अलावा और एक बंदे ने वैसे जनरल पूछा ज्योग्राफी के बारे में, समंदर के रास्तों के बारे में पूछा और जहाँ पे तंग रास्ते होते हैं समंदर में उन्हें क्या कहते हैं, जैसे स्विस कैनाल है, चोक पॉइंट क्या होते हैं समंदर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, इंट्रो वगैरह नहीं लिया, बस अच्छा हो गया वैसे ओवरऑल इंटरव्यू। और बेस्ट ऑफ लक बाकी तमाम कैंडिडेट्स को भी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और मेरा आज इंटरव्यू शेड्यूल था। सुबह 10:30 बजे मैं कमीशन के ऑफिस पहुंचा और मेरा इंटरव्यू जो है वो तकरीबन 1:15 बजे जो है मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ। 15 लड़के थे हम, जिसमें 3 एबसेंट थे और मेरा नंबर जो है वो 13वां था। इंटरव्यू कॉल ये है कि मैं इंटर हुआ, 3 बंदे बैठे हुए थे, एक यूनिफॉर्म DIG साहब बैठे हुए थे, एक साइड पे रिटायर मेजर जनरल बैठे हुए थे और एक कमीशन के अपने मेंबर थे। स्टार्ट कमीशन के मेंबर ने लिया, क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। सबसे पहले तो मुझसे मेरे बारे में, मेरे ट्राइब के बारे में पूछा और लैंग्वेज के बारे में पूछा, एथनिक ग्रुप के बारे में पूछा और थोड़ा सा जो है ये एथनिक ग्रुप से रिलेटेड पश्तून और पख्तून के बारे में पूछा मुझसे। जो पठान जितने भी कैंडिडेट्स हैं पश्तो बोलने वाले, इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखें, पश्तून पख्तून। मैंने आंसर ये किया, मुझे ये कहा कि आप पख्तून हैं या पश्तून हैं, तो मैंने कहा सर कि पश्तो में 2 डायलैक्ट्स होते हैं, एक नॉर्दर्न डायलैक्ट है, एक साउदर्न डायलैक्ट है। नॉर्दर्न डायलैक्ट वाले जो हैं वो खे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं पेशावर और काबुल साइड पे, जबकि शीन जो है वो क्वेटा साइड पे या कंदार साइड पे शीन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा DIG ने मोटरवे से रिलेटेड क्वेश्चंस किए कि मोटरवे में क्यों आना चाहते हो, मोटरवे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करना चाहते हो। तो इससे रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना माइंड बना लें कि गवर्नमेंट जॉब क्यों करना है, मोटरवे में क्यों आना है। मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया कि सर जॉब सीकर हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हूँ और इसलिए मैं मोटरवे में आना चाहता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने जो मेजर जनरल थे उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए। मैं चूंकि MA MPhil हिस्ट्री हूँ तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मुझसे पूछा कि ये क्या था, कब ये जो है पेश किया गया, किसने पेश किया। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, किस तरह बना, क्या हिस्ट्री है इसकी। तो मैंने डिटेल से बता दी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 1949 में पास हुआ और उसकी देखा देखी फिर आगे जो है ये प्रोसेस चलता रहा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का, लेकिन 9 साल के बाद 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर उन्होंने कहा आगे क्या हुआ 56 के बाद, तो मैंने आंसर किया कि सर 56 के बाद 2 साल तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चला, फिर उसके बाद माशाल्लाह लगा, सिकंदर मिर्ज़ा साहब आए, अयूब खान साहब उनके बाद आए। अयूब खान ने जो है बेसिक डेमोक्रेसीज़ का एक कॉन्सेप्ट दिया, सिस्टम दिया और उसके अलावा उन्होंने इलेक्शन करवाए। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि अच्छा ठीक है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने 2 इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बनाए, कौन कौन से थे। मैंने कहा कि एक फेडरल शरीयत कोर्ट है और एक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है। और इसके अलावा
जनरली क्वेश्चंस किए मोटरवे के बारे में। डीआईजी ने ये पूछा कि मोटरवे पुलिस का काम क्या होता है, तो मैंने कहा सर ड्राइविंग एजुकेशन देना, हेल्प करना और जो है मोटरवे के बारे में बताना कि कौन सी स्पीड पे कौन सी लाइन में जाना है, तो सारी डिटेल मैंने बता दी। बाकी मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस था कि क्या करना है, किस तरह का इंटरव्यू होगा और किस तरह पूछा जाएगा। बिल्कुल कैंडिडेट्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होके जाएं, कुछ भी नहीं है अंदर, बहुत नॉर्मल माहौल है, बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाए। इंशाल्लाह मेरा यकीन है, मुझे उम्मीद है कि जो उम्मीद के साथ जाएंगे, यकीन के साथ जाएंगे, कॉन्फिडेंट होके जाएंगे, उनका काम हो जाएगा। बाकी ऐसी कोई मुश्किल नहीं है।